हेलो, हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। Hi, if you can hear me and see me well, show me a thumbs up. Hi Geet, thank you for showing me your thumbs up. Kaisi ho Miss Geet? Thank you, roz aap dekhti ho mere shows. Sachin ji, thank you very much. Manish Kumar ji, Shakil ji, good afternoon. सुमा जी, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। रंजी जी एंड आप सभी को रूप चौदस की बहुत बहुत बधाइयाँ। संजय जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम मधु नहाटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आई एम अ होम शेफ एंड एन एंटरप्रेन्योर। आप मेरी रेसिपीज देख सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इन द नेम ऑफ ओवन्स अप। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज मैं एक बहुत ही क्विक और डिलिशियस सा टर्किश डेजर्ट लेकर आई हूँ जो एक पर्टिकुलर सिटी ऑफ टर्की से फेमस हुआ है, जिसका नाम है, देर आर बेसिकली फोर इम्पॉर्टेंट सिटीज इन टर्की और उसमें से एक है इजमिर। सो इजमिर के ये डेजर्ट है, ओके, कुकीज़ की तरह ये बनते हैं, बहुत ईजी है, मिनटों में बन जाते हैं और इसको बच्चे भी बना सकते हैं और ये बच्चों का फेवरेट रहता है। तो अगर अभी तक आपने दिवाली के लिए कोई प्रिपरेशंस नहीं की है, सो अगर नहीं की है तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी एंड अ गुड रेसिपी। कल मैंने आपको टर्किश रेसिपीज़ में बताया था बकलावा, आज मैं आपको ईजी सा जो रेसिपी बताने जा रही हूँ उसका नाम है इजमिर बोम्बासी, मीन्स इजमिर बॉम्ब्स, यानी चॉकलेट बॉम्ब्स फ्रॉम इजमिर। एंड उसमें हम यूज़ करेंगे अमूल की कुछ डिलिशियस चॉकलेट्स एंड लिटिल बिट ऑफ बटर। सो शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी जिसका नाम है इजमिर बोम्बासी, विच मीन्स बॉम्ब लाइक कुकीज फ्रॉम इजमिर टर्की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई होप दिस इज लाइक विजिबल एंड वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, तो इसमें शुरू में ये बहुत ही इसमें इजी इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। सो हम लेने जा रहे हैं इसमें मैदा सबसे पहले। तो मैं अबाउट 3/4 कप ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा यहाँ पे लेने वाली हूँ। ओके, इसमें मैंने 3/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया है और मैं अबाउट 4 टेबलस्पून्स ऑफ जो पीसी हुई शुगर होती है वो डालूंगी। ओके, ग्राइंड की हुई शुगर अबाउट 4 हीप्ड टेबलस्पून्स, या आप 3 भी डाल सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड लाइकिंग। ओके, सो मैं अबाउट 4 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर यहाँ पे डाल रही हूँ। ओके, तो हमने लिया 3/4 कप मैदा और उसमें मैंने ऐड किया अबाउट 4 टेबल स्पून्स ऑफ पीसी हुई शुगर और अब मैं इसमें डालूंगी अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, ओके, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, 1/4 टी स्पून जितना, और फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। ओके, सो ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ अबाउट 4-5 टेबलस्पून्स। ओके, वो मैंने ऑयल ले लिया है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आप सभी इसको बना सकते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव, माय नेम इज़ मधु नाटा। हम बना रहे हैं आज टर्किश डेजर्ट जिसका नाम है इजमिर बोम्बासी, यानी चॉकलेट फिल्ड कुकीज लाइक बॉम्ब्स फ्रॉम टर्की, द सिटी ऑफ इजमिर।
ओके तो अब हमें इसे रब करना है बेसिकली। ओके इस तरह से जो इसमें अगर कोई लंप्स ना रहे हमें ये ध्यान रखना है। मैंने लिया है 3/4 कप मैदा, उसमें मैंने अबाउट 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी शक्कर डाली है। ओके एंड आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस मैंने यहाँ पे डाला है। ओके ये बहुत ही प्लेन सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई फैंसी आइटम्स नहीं लगते हैं। आई थिंक ये सारे आइटम्स आपके घर में अवेलेबल होते हैं। 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल मैंने यूज़ किया है। आई यूज सनफ्लावर ऑयल, तो मैंने सनफ्लावर डाला है। आप कोई भी नॉन पंजेंट ऑयल इसमें डाल सकते हैं, यानी जिस ऑयल की बहुत स्मेल ना हो, जैसे यू नो मस्टर्ड ऑयल वगैरह आप स्किप कर दीजिए। ओके सो इसे हमें अच्छी तरह से रब करना है। ओके ये देखिए इस तरह से ऐसी मुट्ठी फॉर्म हो जानी चाहिए इसकी। थोड़ा सा और हम इसको रब करेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी हमारे जो कुकीज़ है बहुत ही क्रंची और अच्छे बनेंगे। ओके अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वॉर्म वाटर। ओके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको लाइक टेबलस्पून बाय टेबलस्पून इसमें वाटर डालना है, बिकॉज ऑलरेडी हम काफ़ी इसमें ऑयल डाल चुके हैं, सो वी मे नॉट बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ वाटर। ये आप अपने बच्चों के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, उनसे लास्ट मिनट दिवाली के लिए कोई मिठाई अगर आपने नहीं बनाई है, या बच्चों को भी शौक़ हो, शौक नहीं हो तो आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की ये कुकी बनाने में, जो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बन भी झटपट जाती है। सो मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑफ वाटर, वॉर्म वाटर हमें यूज़ करना है, ना ही हॉट ना ही कोल्ड। ओके अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं इस प्रोसीजर के बाद देखूंगी, बिकॉज माय हैंड्स एंड माय कंसंट्रेशन इज़ ऑन द रेसिपी राइट नाउ। वैसे बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। ओके इसे थोड़ा सा रब करेंगे। ओके इस डो को हमें रेस्ट करना होता है फॉर अबाउट 20 मिनट्स, लेकिन सॉरी क्योंकि ये लाइव सेशन है तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो इसे हम थोड़ा सा बस इस तरह से नीट कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। ऐसा, सो दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द आटा दैट वी नीड या डो। फिर से हम इस तरह से भी कर लेंगे रबिंग प्रोसीजर। और अब मैं इसे फॉर अ फ्यू मिनट्स ढककर रख दूंगी। लाइव में इतना टाइम नहीं है कि मैं 20 मिनट्स इसे अलग छोड़ दूं, लेकिन यस फॉर यू नो जब तक हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इस तरह से आप बॉल बना के रख लीजिए और इसको कवर कर दीजिए। सो आई एम गोइंग टू कवर दिस एंड कीप असाइड एंड क्लीन दिस एंड क्लीन माई हैंड्स एज वेल। गिव मी अ सेकंड प्लीज, I just need to wash my hands. Okay, so जो next procedure है हमारा उसमें हमें चाहिए अमूल की डार्क चॉकलेट या कोई भी तरह का आप चॉकलेट यूज कर सकते हैं। आज मैं 2 चॉकलेट्स यूज करने वाली हूँ। 1 is अमूल डार्क चॉकलेट जिसे हम टुवर्ड्स द एंड मेल्ट करेंगे, और दूसरे ये जो अमूल चॉको मिनीज होते हैं वो मैं यूज करने वाली हूँ। सो सिंपल है, इसे खोला और इसमें से कुछ चॉको मिनीज हम निकाल लेते हैं। सो ये इस तरह के क्यूट क्यूट छोटे छोटे चॉकलेट्स हैं, कुछ हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। अमूल के सभी चॉकलेट्स आर वेरी डिलिशियस, सो मैं अमूल चॉको मिनीज आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड अमूल डार्क चॉकलेट भी हम यूज़ करेंगे। ओके आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इस टाइप की कोई राउंड चॉकलेट हो, या आप चॉकलेट को चॉप करके भी
या घर में छोटे इस तरह से चॉकलेट बॉल्स बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके सो ये हमने कुछ चॉकलेट के पीसेस यहाँ निकाली हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल है, हमने सबसे पहले एक डो बनाया, मैदा, शुगर, वनीला एसेंस एंड ऑयल और वॉर्म वाटर से। उसके बाद हमने अमूल के चॉकलेट मिनीज लिए, उन्हें अनरैप कर लिया है और हमारा आटा वैसे तो सेट नहीं हुआ होगा अभी तक, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस। इसे रेस्ट करने के लिए तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वेरी शाइनी डो एंड लाइक दिस। ओके वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी सॉफ्ट, मतलब टू टच इट शुड बी सॉफ्ट। ओके अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे मेरिंग्स बना लेंगे, यानी इस तरह के छोटे हम इसमें से लोई निकाल लेंगे। ओके थोड़ा सा बड़ा इससे लाइक दिस दिस। थोड़ा आई विल एडजस्ट इन द रेस्ट। ओके सो इस तरह से हमने मेरिंग्स बना लिए हैं और मैं यहाँ पे रख लूँगी इन्हें। अब हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे। ओके एक सिंपल सा बेकिंग ट्रे ले लीजिए, उसे अमूल बटर से आप ग्रीस करके रख लीजिए एंड देन हम इसे लेंगे और हल्का सा आप चाहें तो हाथों से प्रेस कर सकते हैं, वरना आप जैसे मैंने शुरू में लिया था चकला और बेलन लेके भी इसे बना सकते हैं, बट ये इजीली प्लायबल होता है, यानी इजी टू वर्क विथ है। तो इस तरह से आप इसे खोल लें। ओके इस तरह से एंड देन इसके बीच में आप चॉकलेट रख दीजिए। ओके लाइक दिस चॉकलेट हमने रख दी, सिंपल प्रोसीजर है, चॉकलेट रख दीजिए एंड जो उसके साइड्स हैं इनको आप एक साथ इस तरह से बंद कर दीजिए। ओके अब हमें करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसे हमें निकाल देना है बिकॉज ये कच्चा रह जाता है। तो आप कोई भी किचन सीजर आपके पास हो, सॉरी फॉर द नॉइस, आपके पास जो भी किचन सीजर हो आप उससे इसको पहले हल्का सा प्रेस कर दीजिए साइड से। देखिए बहुत इजी सी रेसिपी है, देयर इज़ नथिंग यू नो रॉकेट साइंस दैट आई एम डूइंग। इस तरह से ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा दीजिए। ओके और हल्का सा ऐसे प्रेस कर दीजिए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम इन इंदौर, सो क्लीनिंग स्टाफ यहाँ इंदौर में वर्क्स ऑल डेज 365 डेज। आपको पता ही होगा दैट इंदौर सिक्स टाइम इन अ रो हैज़ रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप जनरली जिनके भी घर भी देखेंगे दे ऑल ऑल्सो कीप देयर होम्स वेरी नीट एंड वेरी क्लीन। तो इसके ऊपर का पार्ट आप हटा दीजिए। ओके एंड जस्ट लाइटली प्रेस दिस और इसे एक बॉल का शेप दे दीजिए, दे कॉल इट बॉम्बासी बॉम्ब्स। ओके वैसे भी दिवाली है, पटाखों की जगह आप ये बना सकते हैं, दीज आर लाइक रियली यू नो स्वीट बॉम्ब्स आप कह सकते हैं, स्वीट पटाखे। तो इस तरह से आप थर्ड हम बना लेंगे एंड इसके बीचों बीच हम ये चॉकलेट रख देंगे एंड देन जस्ट क्लोज इट, वेरी इजी। बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा ये एक्टिविटी करने में, माई डॉटर शी लव्स दिस। ओके ये इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए, जहाँ पे भी ज़्यादा जॉइंट है उस पार्ट को नीचे रखना है बेकिंग के टाइम पे। सो टू थ्री मोर क्विकली वी विल डू, सिंस दिस इज़ अ लाइव आई कैन नॉट टेक ऑल योर टाइम। एक और चॉकलेट अंदर और ऊपर से इस तरह से बंद करा। देखिए बहुत इजी है, कुछ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डो निकाल दीजिए, गोल घुमा दीजिए, हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दीजिए एंड जस्ट कीप इट। वन मोर वी विल मेक,
प्रेस किया एंड इस तरह से वन मोर अमूल चॉको मिनी मैंने इसमें डाला एंड लाइक दिस। सो आई होप द रेसिपी इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू और आप ये लाइव ख़त्म होने के बाद फिर से इसे देख सकते हैं एंड द लास्ट वन। सो इन 3/4 कप ऑफ आटा यू कैन मेक अबाउट 6 इज़मिर बोम्बासी। ओके इस डेजर्ट को आप बना सकते हैं। दिस लिटिल पीस ऑल्सो लेट मी ऐड हियर। ओके सो ये हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसे बेक करिए 180 डिग्रीज पे एट प्री हीट कर लीजिए एंड अबाउट 15 मिनट्स, लाइक अबाउट 12 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, यू नो कितना आपका ओवन हॉट हो जाता है। जैसे मेरे ओवन में 180 इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो 170 पे 180 जितनी गर्माहट हो जाती है उसमें, बिकॉज हर ओवन अलग तरीके से बना होता है। तो 180 डिग्रीज इज अ स्टैंडर्ड, प्री हीट कर लीजिए और उसमें आप किसी भी बेकिंग डिश को अमूल बटर से लाइन ग्रीस कर लीजिए एंड ऊपर पार्चमेंट पेपर आप लगा सकते हैं चाहे तो। ओके एंड देन उसे 180 डिग्रीज पे आपको बेक करना है फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स। ब्राउन नहीं होने देना है। ओके इसको ऊपर से ब्राउन नहीं होने देना है। सो ये हमारा प्रोसीजर था टू मेक। अब क्योंकि लाइव में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है बट स्टिल आई हैव ऑलरेडी मेड एंड केप्ट सम रेडी यू नो एंड आपके देखने के लिए कि आफ्टर 15 मिनट्स और 12 to 15 मिनट्स ऑफ बेकिंग आप उसे कूल कर लीजिए और वो किस तरह के दिखेंगे। सो और ऊपर से हमने अमूल की डार्क चॉकलेट लेकर उसे मेल्ट कर लिया और गार्निश कर लिया। सो दीज आर आर इज़मिर बोम्बासी कुकीज़। मैं एक कट करके भी आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कैसे लगते हैं, चॉकलेट फिल जो है वो कैसी लगती है। I'll just take a plate and cut one for you. Hard on the outside and very, actually not hard but crusty I should say. And अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये अंदर से कितना शानदार लगता है। Just see chocolate filled cookies. बहुत ही आसान है बनाना, वेरी क्रस्टी टेस्टी और ये बिल्कुल भी कड़क नहीं लगता है। यू नो इनका टेक्सचर अगर आप क्लोजली देखें दानेदार बन जाता है बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड द नीडिंग दैट वी डू। बिल्कुल दानेदार और नीचे से ब्राउन, बहुत ही शानदार खाने में। बच्चे तो इसे बहुत बहुत पसंद करते हैं खाना। बच्चे क्या, आप मैं हम सभी इसे पसंद करेंगे। सो ये देखें ये हमारे इज़मिर बोम्बासी टर्किश डेजर्ट इज़ रेडी। आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ दिस। ये देखिए, तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रूप चौदस की बहुत शुभकामनाएं। शिल्पी जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, संगीता कांठेड़ जी दीदी थैंक्स, अमृता जी, पवन जी, सचिन जी, मिस गीत एंड पूजा देसाई जी, योगेश जी, जीतू जी, अलकेश जी, हीना मेहता जी, संतोष जी, नीरू जी, प्रीति, डिम्पी थैंक्स, नित्या थैंक यू वेरी मच, सुशी, वंशिका जी एंड एवरीवन एल्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, संदीप जी, अगर मैं किसी के नाम नहीं ले पा रही हूँ तो भी आई एम रियली रियली थैंकफुल, विपिन जी। सो लाइव में मुझे ज्वाइन करते रहिए। आई विल कम विथ अनदर टर्किश डेजर्ट टुमारो, जिससे आप नई चीज़ें सीख सकें, किसी और कल्चर की जो ईजी चीज़ें हैं जिसके इंग्रीडियंट्स हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल हो, वेजिटेरियन है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सो कल हमारा एक और लाइव है एट 4 PM। आज मैं 12 बजे आई हूँ, कल मैं 4 PM आऊँगी एंड आई विल बी टीचिंग यू सम वंडरफुल वंडरफुल टर्किश हलवा। सो डोंट मिस दैट एंड थैंक यू एवरीवन
एंड रूप चौदस की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको. एंड आई होप वी ऑल हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली एंड द कमिंग न्यू ईयर. सो सी यू टुमारो एट 4 PM एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल प्लेटफॉर्म जिससे मैं ये रेसिपीज आप सब तक ला सकती हूँ. एंड अगर आपके कोई फीडबैक है कमेंट्स हैं तो आप नीचे इस सेक्शन में डाल सकते हैं. दिस वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स ऑन अमूल पेज. आप उसको लाइक शेयर करें एंड इसको बनाएं. ओके सो हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय विथ योर फैमिली. बाय.